मुकद्दस जी इधर क्या हो रहा है? ये जी मैंने कुछ चीज़ें मंगाई थी तो वो अनबॉक्स हो रही हैं। कहाँ से मंगवाई थी ये? कुछ देखिए चीज़ें कुछ फजर तो खराब कर दिया है, बेडशीट ठीक करो। दोनों भाग रहे हैं, पसीने निकाल रहे हैं दोनों ने। क्या हाल सिर चढ़ी हुई है, क्या है? ठीक हो ना मामा? यहाँ पे आप गाना नहीं गाए, बिनिया बिनिया आँखा इन्हा खानू में तका थोड़ा सा आपने इसमें डिशवॉशर डाल के और जो फीडर धोने वाले ब्रशेज होते हैं ना, वो लंबे होते हैं अच्छे खासे, तो वो बीच में डाल के उसके साथ अच्छी तरह आपने एक दिन छोड़ के लाजमी वॉश करना है। नहीं तो यही जो पानी वाली बोतलें होती हैं इन्हीं के साथ मेरे खराब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब कैरियर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बच्चे भी बस खेल रहे हैं, उनका क्लिप आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। अच्छा अभी ये हेल्पर ने किए थे कपड़े प्रेस, तो बस ये अब संभालने लगी थी। अच्छा इस दफा ना इतने खास मैंने आना कि जो है ना कपड़े नहीं बनवाए। अच्छा इसके ना मतलब शुरू में जो बनवाए थे वही बनवाए थे, उसके बाद इतने खास नहीं बनवाए, क्योंकि ना लास्ट ईयर के इसके जब मैंने बनवाए थे कपड़े वो पता नहीं कोई मतलब फर्स्ट टाइम मैंने टेलर से स्टिच करवाए थे तो ना थोड़े से मतलब बड़े साइज के स्टिच हो गए थे, वो पिछले साल इतने यूज को नहीं थे हुए। और ये यकीन करें कि ये भी इसका पिछले साल का एक दफा पहनाया था तो ये उसके बाद इसको मैंने पहनाया नहीं था क्योंकि इसको बहुत ज्यादा बड़ा था और ये इसको आप होगा। और ये अब ईद पे मैंने बनवाया था, ये भी इसने एक दो दफा पहना फिर उसके बाद पहना ही नहीं है। और ये भी मैंने मतलब ये लगना स्टार्ट होने वाली थी तब बनवाया था और ये भी ईद में लिया है, कोई दो या तीन दफा इसने पहना है। और ये भी हमने लिया था, ये भी अभी इसका चल रहा है और अभी काफी मतलब प्रेस हो रहे हैं कपड़े। और ज्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि इसके लिए के ना ये इस तरह से खुद स्टिच करवाती हूँ फ्रॉक वगैरह, ये भी स्टिच खुद करवाया, ये भी खुद करवाया, ये भी खुद करवाया इसका स्टिच, ये वाला ये भी दोनों मैंने खुद स्टिच करवाए हैं। एक तो लाइट होता है कपड़ा और दूसरा जो है मतलब लूज लूज ना बच्चों का जितना स्टिच हुआ हुआ वो उतना ज्यादा ईजी रहता है। और बहन का तो ज्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि उसके ना रेडीमेड उसके क्योंकि ना स्टिच शलवार कमीज में वो थोड़ा सा ना तंग पड़ता है तो मतलब ईद वगैरह पे ले लेती हूँ, कोई मतलब ऐसे कोई फंक्शन वगैरह हो तो ये शलवार कमीज ले लेती हूँ। लेकिन ये होता है कि मतलब ज्यादा कोशिश होती है कि निकर शर्ट या पेंट शर्ट ही उसकी हो। और ये मेरी ननो भी आज हमने वॉश की है, नए नए की है और उसकी खिलियां मिल रही है, आप जरा चेक कर लें तशरी के साथ। लियो फौरन भाग के आता है हमने तो न्यू मामा यहाँ पे आप गाना नहीं गाए, बिनिया बिनिया आँखा इन्हा आँखानू में तका भी इनके कपड़े शपड़े यही संभाल रही थी तो चले आप ऐसे करती हूँ कि जैसे जैसे कोई शूट करती हूँ वैसे वैसे भी आपके साथ शेयर करती हूँ तो भी आपने वीडियो में मेरे साथ रहें। दिन के टाइम पे तो जी मैंने राइस बनाए हुए थे और अभी जी सबके लिए बना रही थी बर्गर। अच्छा ये मलाई टिक्का जैसे बनता है ना वैसे ये बर्गर बनते हैं बहुत ज़्यादा मज़े का। ये चिकन मैं बना कर ना फ्रीज़ कर लेती हूँ, फिर जब भी आपने मतलब बनाना है फ़ौरन से मायोनीज़ लगाई थोड़ी सी केचप लगाई और ये जी तैयार कर लिए। ये जी दस्त ने निकाली हैं ये सारी मायोनीज़ वगैरह और केचप वगैरह, उसके साथ ये बर्गर बना रही थी। ये चार बन गए थे बस इनको सेक के, तो अब ये बाकी के भी इसी तरह से प्याज और बंद गोभी डाल के तो तैयार कर लूँगी। क्या आप बना रहे हो? अच्छा 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 हाँ तुम थोड़ा सा भागो तो तुम गीला हो जाते हो हैं? ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो गंदे गंदे जा रही है बना बना के निकी निकी उड़ा रही है और उसको देख इब्राहिम कहाँ से मंगवाई थी ये देखिए कुछ थोड़ी थोड़ी सी बस मुकद्दस इतनी ये तो थोड़ी चीजें मंगवाती है इतनी थोड़ी बिल्कुल होती कोई नहीं है। ज्यादातर चीजें ईशा ऑर्गेनिक्स की हैं, मुझे उनका ये नीम फेस वॉश बहुत ज्यादा पसंद था। अभी वैसे भी गर्मियां रही हैं, कुछ मैंने मामा के लिए भी मंगवाया है और एक ब्राइटनिंग फेस वॉश भी होगा इसमें वो मैंने अपने लिए मंगवाया है। इनकी जो व्हाइटनिंग क्रीम्स थी वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और बच्चे भी लगाते हैं मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मैंने वो भी मंगवाई।
जी मुकद्दस ने काफ़ी सारी चीज़ें मंगवाई हैं, कुछ चेक की हैं, कुछ चेक करने वाली हैं अभी। और अभी ये बस यहीं पे लगी हुई है, बीच में इसको इसने काम करना था अपना, वो काम कंप्लीट किया है, तो मैंने कहा है कि चलो अपना कर लो। ये कौन सी क्रीम है? ये है जी ईशा की ड्राई स्किन रिपेयरिंग क्रीम। हाँ ये मुकद्दस और इसके पापा बड़े शौक से यूज करते हैं, विंटर्स में जब सभी ड्राई स्किन हुई होती है, बहुत ज्यादा स्किन सेंसिटिव हुई हो ना, तब हम यूज करते हैं। बहुत ही अच्छा सा लाइट सा मॉइस्चराइजर है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। हैंड्स पे भी इसे यूज कर सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है ये फेस एंड हैंड्स बोथ क्रीम है, फुल बॉडी क्रीम है, जितना मर्जी यूज करें आपकी मर्जी। और ये हमने नो देखे, मैं तो इसी की वीडियो बना रही थी, बीच में मुकद्दस आ गई। यस क्या मस्तियां चढ़ी हुई हैं, ये देखो बेडशीट सारी खराब कर दिया है, बेडशीट ठीक करो, दोनों भाग रहे हैं, पसीने निकाल रहे हैं दोनों ने, क्या हाल चढ़ी हुई है, क्या है? अमना इब्राहिम जब खेल रहे होते हैं तो ये लियो भी छोटा है, तो ये भी ना बड़ा ऐसे मच्छर सा जाता है, और ये देखें इसके काम। अच्छा ये माशाल्लाह इतना एक्टिव हुआ हुआ होता है, और साथ में ना मतलब इसने अपनी खेलियाँ बनाई होती हैं, और कागज़ के साथ बहुत ज़्यादा ये खेलता है, कागज़ की बॉल बना के देना उसके साथ बहुत खेलता है। अच्छा इब्राहिम को जी और आमना को खेल खेल के लगी थी भूख, लेकिन आमना ने माशाल्लाह से कहा है कि मैंने राइस नहीं खाने, और इब्राहिम ने कहा था कि मुझे कुछ खाने के लिए दो, तो उसको मैं आप राइस खिला रही थी। हाँ जी लास्ट ईयर ऐसे हुआ था कि मुझे ना पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसकी वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आने शुरू हो गए थे। अच्छा उस दिन की मैंने ना प्रॉपर अपनी रूटीन बनाई हुई है कि मैं इस तरह से बोतल बना के ना, तो इधर अब मेरी साइड टेबल पर पक्की पिड़िया पड़ी हुई होती है, ठीक है, नॉर्मल से ऐसे ठंडा कर लिया, एसी वगैरह चल रहा होता है तो वैसे भी इतनी ज़्यादा मतलब गर्म नहीं होता पानी, लेकिन ठीक ही होता है मतलब, लेकिन अगर आपको गर्म लगता है तो आप भर के इसी तरह साइड पर फ़ौरन से बंदा उठा कर तो पी लेता है। अच्छा सबकी अलग अलग बोतल है, आमना की अलग होती है, मुकद्दस की अलग होती है, सबकी अलग अलग बोतल होती है, भर के अपनी फिर रख लेते हैं, खुला पानी जब भी प्यास लगती है तो खुला पानी पी लिया। इससे ये होता है कि एक तो पानी की कमी पूरी रहती है, फिर ना मतलब आपको पता है उठ के पानी भर के तो पीने में मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो बेहतर होता है कि इनकी पानी वाली जो बोतल होती है ना वो भर के इनको दे दिया करें। और जो बात मेन है बताने वाली वो ये है कि इन बोतल को लाजमी बीच में हल्का सा लिक्विड डाल डिश वॉशर यूज़ करते हैं, थोड़ा सा आपने इसमें डिश वॉशर डाल के, और जो फीडर धोने वाले ब्रशेज होते हैं ना वो लंबे होते हैं अच्छे खासे, तो वो बीच में डाल के उसके साथ अच्छी तरह आपने एक दिन छोड़ के लाजमी वॉश करना है, नहीं तो यही जो पानी वाली बोतलें होती हैं इन्हीं के साथ मेदे खराब होते हैं, डायरिया होते हैं, पेट खराब होते हैं। यकीन करें कि ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि लास्ट ये जो ये ईद पे आमना इब्राहिम की और ये इनके बाबा की तबीयत खराब हुई थी, हमने पानी लगवाया हुआ था और उसकी पानी वाली की बॉटल इतनी ज़्यादा मतलब मैली और मतलब पानी में से अजीब सी स्मेल आती थी, जिसकी वजह से मैं अब जब सोचती हूँ ना कि भाई इनकी क्यों इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी, क्योंकि मैं तो बड़े अच्छे से खाना हर चीज़ जो होती है मैं वॉश करके बनाती हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से इनकी हालत ख़राब हुई थी, ठीक है। जब का हमने वो पानी चेंज किया यकीन करें उसके बाद आज तक किसी के पेट में दर्द भी नहीं हुई। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं कि जो नोट करने वाली होती हैं, और इनकी पानी वाली जो बोतल है मैं सबकी जो स्कूल वाली हैं घर वाली हैं मैं खुद अपने हाथों से वॉश करती हूँ, मैं मतलब किसी के ऊपर यकीन भी नहीं करती, मतलब हेल्पर होती हैं माशाल्लाह अच्छी हैं बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन यकीन करें कि बोतल मैं खुद धोती हूँ, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करती हूँ कि आज की भी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।